सुन, मैंने फ्रिज में ना तेरी पसंद के कुछ फ्रूट्स रखे हैं और कुछ सब्जियां भी रखी हैं। 2-3 दिन के लिए आराम हो जाएगा। मम्मा, आपको कितना भी समझा लो, आप अपना काम कर ही लेते हो ना। मेरी फिक्र करने का क्यों इतनी चिंता कर रहे हो मम्मा? मैं सब कुछ कर लूंगी। चिंता कैसे ना करूं, तेरी माँ जो हूँ, तुझे पता है घर पे पीने तक का पानी नहीं था। मैंने शर्मा जी से कह के ना कुछ पानी की बोतलें मंगवा ली। चिकू, मैं सोच रही हूँ, वैसे भी तू दिन भर घर पर अकेली होगी, नौकरी तो है नहीं, मैं तेरे साथ रह जाती हूँ। ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? माँ हूँ तेरी नैना। माँ, गलत कुछ नहीं कहा, पर आपके भी तो काम होंगे ना। मेरी चिंता बिल्कुल मत करो मम्मा। जब मैं यहाँ जयपुर आई थी ना, तो 1-2 जॉब्स ऑफर हुई थी मुझे, उस वक्त मैंने खुद ही मना कर दिया था। अब कोशिश करूँगी तो आई एम श्योर कोई जॉब तो मिल जाएगी। ये क्या मम्मा, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मम्मा, आपने तो दी और मुझे सिखाया ना कि कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा हिम्मत बनाए रखना चाहिए। और फिर आप ही ऐसे चिंता करोगे तो आप भूल जाओ मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, सब मैनेज कर लूँगी। तू जो ये स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रही है, ये इतना आसान नहीं है, पर मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि भगवान मजबूर हो जाएंगे तेरे हर इरादे को कामयाब करने के। बस तू अपना ख्याल रखना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर दे, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये टैक्सी मैंने रोकी है और मुझे प्लीज मेरे को जाने देना, मेरे को ऐसी बहुत देर हो गई, मेरे को बहुत जरूरत है अभी कहीं पहुंचने की। एक काम कर, तू भी बैठ जा, मैं तेरे को भी छोड़ दूंगी। क्या सोच रही है, पैसे मत देना, मैं तेरे को छोड़ दूंगी। अच्छा बैठ जा, आजा। नहीं नहीं, शायद आपको ज्यादा जरूरत है, आप ये टैक्सी ले जाइए, मैं दूसरी में आ जाऊँ। अरे नहीं नहीं, आजा, डर क्या रही है, बैठ जाना, मैं तेरे को छोड़ दूंगी। बैठ जा, दरवाजा लगा, जल्दी लगा। चलो चलो भाई साहब, सीधे चलो। माफ करना, तेरी रोकी टैक्सी में से बैठ गई, पर बहुत जल्दी में जाना है। कोई बात नहीं। तो यहीं की रहने वाली है जी? और आप? मैं तो बड़ौदा से आई हूँ। अच्छा, जयपुर किसी काम से आई हैं? मैंने ना एक बहुत ही खतरनाक सपना देखा किसी अपने के बारे में, और वो यहाँ जयपुर में, इसलिए बेचैनी हुई तो भाग के यहाँ पे आ गई। एक मिनट, आप फोन आ रहा है। हेलो अमन, बोल। नहीं नहीं, वो क्या है ना, जल पपुआ ने एक्सरसाइज बताई ना होने वाले टुन्नू के लिए, बस वो ही करने बाहर आई थी। हाँ हाँ, चल बाय। जयपुर अपने पति से मिलने आई थी? दोस्त से। आपको पता है, मेरा भी एक दोस्त है और आप ही की तरह मुझे भी उसकी बहुत फिक्र है। तू तो शादीशुदा लग रही है मेरे को, तो फिर दोस्त? दोस्त तो आपका भी, मेरे पति ही तो मेरे दोस्त हैं। अब बस यहाँ रोक दीजिए, आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखना। जल्दी चलाना, जल्दी तेज चला। अब लग रहे हो ना मेरे करण जैसे। ये स्माइल इसलिए क्योंकि अब तो तुम स्माइल भी करते हो। सॉरी, पर क्या कहा था तुमने? कि मैं चले जाऊंगी तो तुम्हें चैन मिलेगा। करण, पहले कभी तुम्हारे कह देने से चली गई हूँ क्या मैं? जो अब चली जाऊंगी, तुम ही कहते हो ना कि मैं अपनी लाइफ जिद से जीती हूँ।
तो अब यही मेरी जिद है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी करण, और सिर्फ तुम्हारे कह देने से तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। शुरू तुमने की है करण, पर अब ये लड़ाई मेरे स्वाभिमान की है जिसे मैं लड़ूंगी। कमाल है, चोटी का एक एक तो मेरा फोन चुरा के ले गई, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही। नहीं, चोटी कैसी हुई, अपना फोन भी तो मेरे को देके गई है। दोबारा ट्राई करती। हेलो। हाँ हेलो, सुन मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? अरे भाई, जिसने तेरे को लिपट दी थी और तेरे से पैसे भी नहीं लिए, याद आया? हाँ हाँ। अरे पर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मारे दिल लिवट, तेरा नंबर मेरे पास नहीं है, मेरा फोन तेरे पास रह गया और तेरा फोन मेरे पास आ गया, समझी? फोन बदल गए हमारे। हाँ अभी क्या करेंगे। सुन, जिस कॉम्प्लेक्स के बाहर मैंने तेरे को उतारा था ना, उस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो मैं एक रेस्टोरेंट भी नजर आ रहा था, मैं तेरे को वहीं पे आके मिलती हूँ, आधे घंटे में पहुंचूंगी, वहाँ पे आके फोन बदली कर लेंगे, ठीक है? ओके थैंक यू। हाँ मिली है मेरे को। छोकरा लग रहा है, पर तेरे मगज में उदासी छाई है। बता टीनी को, बता क्या प्रॉब्लम है, बोल। आप हमेशा इतना बोलती हैं या आज कुछ ज्यादा? टीनी ना हमेशा उतना ही बोलती जितना उसके दिल में आता है। चल अब तो मेरे को बता, तूने क्यों मुंह लटका रखा है, बोल। वो फैसला जो हम दोनों की जिंदगी से जुड़ा है, वो सिर्फ तुम नहीं ले सकते हो करण। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं नहीं मानता हूँ शादी को, नहीं मानता हूँ इस रिश्ते को। अपना तमाशा बंद करो और जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ मैं ये होटल जयपुर रेड के बाहर हूँ। हाँ हाँ बस पूछने ही वाली हूँ, दो मिनट में। हाँ चल।
एक बात बता, कहीं प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गया तू? नहीं दोस्त है। मारे दिल की बात, आज सुबह से ना मेरे को पता नहीं क्यों दो स्टेप के लोग ही मिल रहे हैं। ये इतना सिंपल मामला नहीं है, थोड़ा एक्चुअली कुछ ज्यादा उलझा हुआ है। उलझा हुआ है? चल तू मेरे को जानता नहीं है तो मैं तेरे को अपने बारे में बता देती हूँ। टेढ़ी ना बहुत समझदार है, तो तू मेरे को अपनी प्रॉब्लम बता, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ। दुनिया की नजरों में वो मेरी वाइफ है, लेकिन मैं उसे सिर्फ दोस्त मानता हूँ, एक अच्छी दोस्त।